ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर से स्मृति दिलाई गीत गाने वालों ने। वैसे तो ये स्मृति भूलती नहीं थी ना, स्मृति रात से लेकर अभी तक चलती रहेंगी, है स्मृति या भूल गई? बाबा ने क्या क्या बताया आ फिर से याद किया। बाबा ने कल कितना बच्चों के स्नेह में बाप, और बच्चे बाप के स्नेह में, स्नेह का सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर, और अपना प्यार बच्चों को दे रहा था। लगाना ऐसा हाँ, बाप भी कहे मैं भी बच्चों के स्नेह में, मुझे भी तुम बच्चों के लिए कितना प्यार है, जितना बच्चे दिखाई पड़ते हैं स्नेह में समाये हुए, और बाप भी बच्चों के स्नेह में। और स्नेह के साथ क्या क्या वरदान मिला याद है ना? अभी तो बाबा यही चाहते, मेरे बच्चे सदा सदा स्नेह में समाये रहे, और साथ साथ मन जीत, जगत जीत, विश्व के मालिक बना रहे हैं बाप को। बाप हमें तो केवल भविष्य में नहीं, अभी मन जीते सो जग जीते, ये तो शुरू से ही कहावत सुनते आ रहे हैं, और अभी उस कहावत को अपने जीवन में, अभी तो क्या, जब से यह ज्ञान लिया है यह बातें सुनते आए हैं, और अनुभव करते रहते होंगे, क्यों अपना पुरुषार्थ यही है स्वराज्य अधिकारी। जब स्वराज्य अधिकारी बन जाते तो विश्व का राज निश्चित है। सबको याद ना कल बाबा की मुरली? हाँ, बहुत सहज माना, बहुत छोटी सी, और दो तीन बातें बार बार याद रहे। हर ग्रुप को बाबा ने अलग अलग वरदान दिए, जैसे वरदानों का खजाना बाबा हम सब बच्चों को दे रहे थे, और आज भी हम अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली भी स्मृति दिवस की मुरली है, तो स्मृति दिवस पर बाबा हमें क्या स्मृति दिलाते हैं? स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस। इस दिवस पर समर्थ बन करके क्या क्या समर्थियां चाहिए, कितनी शक्तियां चाहिए, और उन शक्तियों से बाबा ने भी कहा मन को इन शक्तियों से जीतो, मन जीते मन भटकाए नहीं। वास्तव में अगर हम समझे मन क्या है, मन मुझे आत्मा की संकल्प शक्ति, संकल्प तो आत्मा ही करती है, और आत्मा जो है जैसी है जो चाहती है वो संकल्प ही करेंगी, ऐसा हम निश्चय कर लें तो मन जीत जगत जीत, और फालतू संकल्प आएंगे ही नहीं। जब बाबा के बन गए तो और क्या संकल्प,